ग्लास हम सूजी लिए हैं तो 2 से 2.5 ग्लास पानी लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है गैस, तो इसमें सूजी डाल देते हैं। ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा पापड़ बनता है। धीरे धीरे सूजी डालेंगे। इसको अच्छा से पकाएंगे गैस। सूजी में एक भी लम्स नहीं है क्योंकि हम संभाल संभाल के डाले हैं और कम रखे हैं अभी स्टोव। एक भी लम्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप भी ऐसे बनाइएगा मेरे जैसे, बहुत अच्छा बनता है। गाइस इसमें सोडा डाल देते हैं, मीठा सोडा जो हम लोग यूज करते हैं खाना में। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं गाइस, जिससे कलरफुल बनेगा ये। और गोल्ड मिर्च डाल देते हैं, हमने पाउडर बना के रखा है, इसको भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। ये मेरी मम्मी बनाती थी, अभी मेरी मम्मी नहीं है तो हम बनाते हैं। ये घोल थोड़ा पतला होना चाहिए गैस, ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा पापड़। इसमें नमक भी डाल देते टेस्ट के अनुसार। गैस इस टाइम में हम अपना स्टोव को एकदम धीमा रखें, मस्त लग रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आप भी बनाइएगा। हो गया ठंडा, हो गया है हमारा पापड़, तो क्या करेंगे, प्लास्टिक कवर है उसमें तेल लगा देते हैं। कोई भी तेल लगा सकते हैं, घी मत लगाइएगा, घी से अच्छा टेस्ट नहीं आता पापड़ का, तो तेल ही लगाइएगा। देखिए पापड़ बना रहे हैं हम, इसको क्या करेंगे थोड़ा देर रूम में ही रखेंगे फैन की हवा में, अभी देंगे तो डस्ट चिपक जाएगा जो अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सूख जाए तो फिर इसको बाहर करेंगे, धूप में डालेंगे। हम पापड़ बना लिए हैं तो इसको फैन में ही छोड़ेंगे 2 से 3 घंटा, ताकि धूल ना चिपके, बाल ना चिपके। इसके बाद हम डालेंगे इसको धूप में, जब तक सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा पापड़ रेडी है, बनाइए खाइए, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए सूख के तैयार हो गया हमारा पापड़, सूजी का पापड़ हमने बनाए, आलू का भी आपको दिखाए थे, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा बना आपका पापड़। और हमारा पापड़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल कीजिएगा। चलिए इसको फ्राई करके दिखाते हैं कैसा बना मेरा पापड़। गाइस ये देखिए हमारा पापड़ हम फ्राई करके दिखा रहे हैं आपको, कितना अच्छा बना है देखिए। गाइस सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट फिर आपसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कुछ चटपटा रेसिपी लेके। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, आप हमारे दिल में रहते हैं गाइस, आप हैं तभी तो हम हैं।